बेल्जियम में लोगों ने सरकार बनाने की मांग करने के लिए सड़क पर निकलकर नेकेड प्रोटेस्ट किया। अच्छा है वो लोग नंगे होकर सरकार बनाने की मांग कर रहे हैं, हमारे यहाँ तो सरकार ही सबको नंगा करती है धीरे धीरे। अरुणाचल प्रदेश के एक कांग्रेस एमपी ने बाबा रामदेव को ब्लडी इंडियन डॉग कहा। एक मिनट, क्या अरुणाचल सच में चाइना में चला गया क्या? ये वहां का एमपी बाबा रामदेव को इंडियन कह के गाली दे रहा है। हेमा मालिनी अब राज्यसभा की एमपी हो गई है और बाकी सब जगह की तरह राज्यसभा में भी वो ईशा और आहना को साथ लेके जाएंगी। और चलते अब बरक दत्ता के पास। ए बरक, शुरू कर। नमस्कार, लेट नाइट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं बरक दत्ता। आज की सबसे बड़ी दिल दहला देने वाली खबर, जुगल हंसराज ने छीनी दर्शील सफारी की चॉकलेट। जी हाँ, दर्शील सफारी की बर्थडे पार्टी में हुई इस खतरनाक घटना में जुगल हंसराज ने दर्शील सफारी के हाथ से छीनी उसकी चॉकलेट। इस बारे में और बात करने के लिए आइए चलते हैं अपनी चाइल्ड और जुवेनाइल एंटरटेनमेंट रिपोर्टर पिंकी चड्डा के पास। हाँ पिंकी, बताइए आंखों देखा हाल। बराक, मैं यहाँ दर्शील सफारी की बर्थडे पार्टी में हूँ और अभी थोड़ी देर पहले दर्शील ने सब बच्चों के साथ केक काटा है। ब्रेकिंग न्यूज, दर्शील सफारी ने अपने जन्मदिन पर काटा केक। और छोटे शहर के बेवकूफ दर्शकों को हम बता दें, केक का मतलब होता है आटे, मैदे और चीनी से बना एक हलवा जिसे तंदूर में कड़ा करके जमा दिया गया हो। आगे बताइए पिंकी। बराक, इसके बाद दर्शील ने जब बच्चों के साथ केक बांटना शुरू किया तो जुगल हंसराज ने चेरी पोर्शन उठाने की कोशिश की, लेकिन उससे पहले ही पीछे से युवराज सिंह आए और सब बच्चों को धक्का देकर वो पूरा केक उठा कर ले गए। ब्रेकिंग न्यूज, युवराज सिंह ने मारा बच्चों को धक्का और चुराया बर्थडे केक। हाँ, और तब से जुगल गुस्से में साइड में बैठ गए। और थोड़ी देर बाद जैसे ही दर्शील ने अपनी चॉकलेट खोली, जुगल के अंदर की भभकती हुई ज्वालामुखी ने अपना मुंह खोला। जुगल तूफानी की तेजी से लपका और इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता वो दर्शील की चॉकलेट छीनकर भाग गया। ब्रेकिंग न्यूज़, जुगल हंसराज ने तूफान की तेजी से लपक के छीनी दर्शील की चॉकलेट। इस पर दर्शील का क्या कहना था पिंकी? दर्शील ने कहा है कि जुगल मुझसे छोटा है इसलिए मैं उसे माफ करता हूँ। दीदी, ये चॉकलेट खोल दो ना। चल फुट, चॉकलेट नहीं खाते। शुक्रिया पिंकी। हाँ ठीक है ठीक है। तो ये था दर्शील की बर्थडे पार्टी का आंखों देखा हाल। अभी बाकी है, मायावती ने कहा वो मनाएंगी साल में 9 बार अपना बर्थडे, और अक्षय कुमार की अगली फिल्म होगी बनने से पहले ही फ्लॉप। खबरें अभी और भी हैं लेकिन आज मूड नहीं है। जय हिंद। तो ये था आज का एलएनएन। अब मुझे भी छुट्टी दो, और भी गम है जमाने में लोगों की लेने के सिवाय। जय हिंद।